नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गपशप। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने रोडस्टर स्पोर्ट्स वॉच के बारे में डिटेल वीडियोस पब्लिश किए थे और उन वीडियोस में काफी सारे लोगों ने कमेंट करके ये पूछा है कि उसका जो आवरली बीप फंक्शन होता है, जिसे टाइम फंक्शन भी कहते हैं, उसे ऑन या ऑफ किस तरह से किया जाए। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि वीडियो के एंड में हम और एक सेटिंग के बारे में बात करेंगे जो कि आपके टाइम फंक्शन से रिलेटेड है। 12 आवर्स से 24 आवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या 24 आवर्स से 12 आवर्स फॉर्मेट में किस तरह से डिस्प्ले को सेटिंग किया जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, रोडस्टर स्पोर्ट्स वॉच में आवरली बीप फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए आपको इन दो बटन की जरूरत पड़ती है। ये है अलार्म बटन और ये है मोड बटन। आप क्या कर सकते हैं, ये अलार्म बटन है, इसको दबा के रखिए और साथ में मोड बटन दबा दीजिए। इससे आपका बीप फंक्शन ऑफ हो जाएगा और सेम प्रोसेस अगर आप रिपीट करेंगे तो ऑन हो जाएगा। अगर आपको पता करना है कि आपका आवरली बीप फंक्शन ऑन या ऑफ है तो आपको इस पोर्शन में देखना पड़ेगा। ये जो वीक डेज है, अगर ये ऑन है या फिर इफ दीज आर लिट अप, दैट मींस आपका बीप फंक्शन ऑन है, और अगर ये ऑफ है तो दैट मींस आपका बीप फंक्शन ऑफ है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलिए इन सेटिंग्स को वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, रोडस्टर स्पोर्ट्स वॉच हमारे सामने है और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, आपको आवरली चाइम या बीप फंक्शन ऑन या ऑफ करने के लिए इन दो बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस बटन पर प्रेस करेंगे तो आपको आपका अलार्म टाइम दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वीक डेज है वहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, दैट मीन्स आपका जो आवरली बीप फंक्शन है वो ऑन है। इस चीज़ को अगर आपने ऑफ करना है तो आपको ये बटन दबाना है, दैट इज़ दी अलार्म बटन दबाना है और साथ में मोड बटन दबा दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे, दैट मीन्स योर आवरली बीप फंक्शन इज़ ऑफ। मैं आपको फिर से अलार्म बटन दबा के दिखाता हूँ और देखिए यहाँ पे अभी कोई लाइट नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन अभी ऑफ है। इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ ताकि आप देख सकें, ये मैंने अलार्म बटन दबाया और साथ में मोड बटन दबा दिया, तो अब यहाँ पे लाइट्स ऑन है। जब आप अपने अलार्म बटन को दबाएंगे तो जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे अलार्म टाइम दिख रहा है और ऊपर यहाँ पे वीक लाइट में, वीक डेज में लाइट्स जले हुए, दैट मीन्स योर आवरली फंक्शन इज टर्न ऑन। मैंने टाइम को सेट किया है 159। अभी चंद सेकंड्स में हम देखेंगे कि ये कैसे बीप करेगा और सेम थिंग मैं आपको ऑफ करके भी दिखाऊंगा। ओके, सो बने रहिए। तो अभी आपने सुना, इसने एक आवरली बीप दिया है, राइट। अगर मैं इसी चीज़ को चेंज करता हूँ, देखिए मैं टाइम चेंज करके, तो मैन्युअली चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ। ओके, ये है, मैंने 258 का टाइम सेट कर दिया। लेट मी इन फैक्ट मेक इट 259। ओके, ये हमने 259 कर दिया और यहाँ पे मैं आवरली बीप अभी ऑन है, देखिए मैंने ऑफ कर दिया इसको। अब आप देखेंगे कि जब ये 60 मिनट्स पूरे कर लेगा तब ये बीप का साउंड नहीं देगा। ओके, बने रहिए। ऑलमोस्ट देयर। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 बज गया लेकिन आपको बीप का साउंड नहीं आया, बिकॉज हमने ये जो आवरली बीप फंक्शन है इसको ऑफ कर दिया था। सो वंस अगेन, अगर आपको ऑन या ऑफ करना है आपका आवरली बीप फंक्शन, तो अलार्म बटन दबा के मोड बटन साथ में प्रेस करना पड़ेगा, और इसी तरह यही प्रोसेस अगर आप रिपीट करेंगे तो ऑन या ऑफ होता है। ओके, अगर आपको चेक करना है कि वेदर आपका आवरली बीप फंक्शन ऑन या ऑफ है, तो सिर्फ अलार्म बटन दबाइए। अगर इस एरिया में आपको लाइट दिखता है, दैट मीन्स आपका बीप फंक्शन ऑन है। लाइट नहीं दिखता है, दैट मीन्स आपका बीप फंक्शन ऑफ है। तो दोस्तों, वीडियो के इस पोर्शन में हम ये देखेंगे कि ये जो आपका टाइम फॉर्मेट है, इसको 12 आवर्स से 24 आवर्स या फिर 24 आवर्स से 12 आवर्स में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा पी का सिंबल आ रहा है, दैट मीन्स ये AM PM फॉर्मेट में है। व्हेन आई से AM PM फॉर्मेट, जनरली 24 आवर्स फॉर्मेट में ये होता है कि दोपहर के 12 बजे के बाद इट शोज एज 13, 14, 15, 16। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजिंग लगता है, तो दे प्रेफर AM PM फॉर्मेट, जिसमें 12 o'clock के बाद ही बाद भी वो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही दिखाता है, बस जिस वहाँ पे P लिख के आ जाता है तो लोगों को ये समझ में आ जाता है कि वो PM है, AM नहीं है। तो इसी चीज़ को चेंज करने के लिए आपको मोड बटन को दबाना पड़ेगा। ये अलार्म है,
नेक्स्ट हम जाएंगे तो ये टाइम सेटिंग में आ गया। अभी अगर आप देखेंगे तो मेरा सेकंड्स वाला पोर्शन ब्लिंक कर रहा है, राइट। यहाँ पे आपको ये रीसेट बटन दबाना है, इट विल मूव टू मिनट्स, और एक बार प्रेस करेंगे तो ये आवर वाले पोर्शन में चले जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये वाला जो स्टार्ट बटन है इसको यूज़ करना है, और इसको दबाते रहिए जब तक कि फॉर्मेट अपने आप चेंज ना हो जाए। नाउ व्हेन आई से अपने आप चेंज हो जाए, आपको मालूम कैसे चलेगा, यहाँ पे देखिए ये एच लिख के आ गया है। इसका मतलब ये है कि घड़ी इस वक्त 24 आवर फॉर्मेट में है, राइट। ये जितने भी 12 बजे दोपहर से पहले का टाइम है उसको नॉर्मल 1 टू 12 में दिखाएगा, और जो भी 12 o'clock के बाद का टाइम है उसको 13, 14 etc. उस तरह से दिखाएगा। तो जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 1:41, सो इंस्टेड नाउ इट्स शोइंग अस 13:41। पहले अगर आपने नोटिस किया था होगा तो 1:49 दिखा रहा था, और इस तरफ पे आपको पी करके एक छोटा सा सिंबल आ रहा था जो अब कि अब नहीं है, राइट। इसी चीज़ को अगर आपने बैक यू नो नॉर्मल 12 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा आपको। मोड बटन दबाइए, और टाइम सेटिंग्स में आने के बाद ये रीसेट बटन दबा के आवर सेक्शन में चले जाइए। अभी देखिए आवर सेक्शन में आ गया है, और इसको आप प्रेस करते रहिए। देखिए अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ए लिख के आ गया, राइट। उसका मतलब ये है कि अब ये घड़ी AM PM फॉर्मेट में है। तो इसका मैं टाइम चेंज करता हूँ, अभी हो रहे हैं दोपहर के 1:42। तो देखिए सिंस ये दोपहर का टाइम है तो यहाँ पे P लिख के आ गया, दैट मीन्स ये PM टाइम है। ऑब्वियसली अगर सुबह के 1:40 हो रहे होंगे तो ये सिर्फ 1:42 ऐसे दिखाएगा, और इस तरफ P लिख के नहीं आएगा, दैट ऑब्वियसली मीन्स दैट वो सुबह का टाइम है। सो दिस वॉज दी स्मॉल सेटिंग्स दैट यू नो यू कैन परफॉर्म टू चेंज द फॉर्मेट फ्रॉम 12 आवर्स टू 24 आवर्स या फिर वॉइस आवर्स। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नाम है प्रकाश, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।